दो तीन मुद्दे हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा, टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं, महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे, आपका एक रुपया कर्जा माफ नहीं किया, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। या सरकार को कहना चाहिए, देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। तो मीडिया का काम मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है, फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा, फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा, फिर पाकिस्तान की बात होगी। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है। आपको चारों ओरों से घेरा जाता है, आपको सही दाम नहीं दिया जाता, नुकसान होता है तो बीमा का पैसा नहीं दिया जाता, जीएसटी लगा दी, कर्जा माफ नहीं होता। तो अगर मैं यहां कहूं कि भैया हम आपके लिए एक काम करेंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत होगा। अगर आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। तो दवाई क्या है, और यह भी शुरुआत है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं, आपने ये शर्ट खरीदी 1000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वही अदानी देगा, उसने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी उतनी ही जीएसटी देगा। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए, या सरकार को कहना चाहिए, देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई जो यहां आप जानते हो, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। दूसरी दवाई ये। तीसरी दवाई फसल बीमा योजना जो बनाया है उससे आपको नुकसान होता है, 15-16 कंपनियां हैं उनको सरकार बीमा योजना का पैसा देती है। आप लिस्ट चाहते हो, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा,
आपका नुकसान होता है। आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, पानी गिरता है, नुकसान होता है। आपको कहते हैं भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, वो आपको मुआवजा नहीं देंगे। तो तीसरी दवाई फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। तो तीसरी दवाई ये। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपको आपका जो दाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसका रक्षा उसकी रक्षा करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा प्याज के दाम का है, हैगा? नेशनल मीडिया में आपने इसके बारे में कोई डिस्कशन देखी? नहीं दिख सकता। सबसे बड़े मुद्दे किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की है। देश में दो तीन मुद्दे हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा, टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है, फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा, फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा, फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे, कोविड फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है। जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं, इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। मगर ये जो सब है, ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं।
मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए, आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं। महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे, आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें यह नंबर समझ ही नहीं आता। अरबपति को आपने बताया कि देखिए 16 लाख करोड़ रुपए है, उनको एकदम समझ आ जाती है बात। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगता है साल का, उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आपका हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया जब यूपीए की सरकार थी कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा। सोलह लाख करोड़ का मतलब 24 साल का मनरेगा, मतलब 24 बार अगर हम आपका कर्जा माफ करें, उतना कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। आपका एक बार हमने किया, बीजेपी ने एक बार नहीं किया। और जितना आपका माफ हुआ था, अगर आप उसको 24 बार करें, उतना नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। वो जो 20-25 लोग हैं, आज उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। 70 करोड़ लोग कौन है? किसान है, मजदूर है, बेरोजगार युवा है।